पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये मुद्दे की बात है। बिहार की राजनीति और देश भर में परिस्थितियां बदलती राजनीति पर हम चर्चा करने बैठते हैं, मुद्दे की बात आपको समझाते हैं। सबसे पहले मुद्दे की बात जिस पर हम करने जा रहे हैं वो आप समझ लीजिए कि कौन किसके आंखों में झोंक रहा है धूल, तोते में अटकी है सरकार की जान। अब आप ये सोचेंगे कि तोता कौन है, कौन है जो एक मतलब गठबंधन में रहने के साथ ही दूसरे के साथ छलावा कर रहा है, दूसरे को धोखा दे रहा है। ऐसा भी होता है कि कई बार अगर सामंजस्य नहीं बैठ पाता है तो अलग अलग कहानियां तैयार होनी शुरू हो जाती हैं गठबंधन के अंदर में भी। तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से वैसी परिस्थितियां बन रही हैं बिहार के राजनीति में। एक गठबंधन में रहते हुए भी उन गठबंधनों के साथियों का मन आपस में ना मिलना, ये क्या दर्शाता है कि जो डील गठबंधन में आने के समय हुई थी या फिर जो इस वक्त चल रहा है उस पर सामंजस्य ही नहीं बैठ पा रहा है। तो वो तोता कौन है जो सबकी बात सुन रहा है और उस बात को कहीं और जाकर लीक कर दे रहा है। मुद्दे की बात में यही तो समझना है, इसी पर तो चर्चा करना है। बाबा एक बार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, पूछेंगे कि कौन किसके आंख में धूल झोंक रहा है और कौन वो तोता है जो जाकर सब सुनकर बक दे रहा है किसी और के पास और वहाँ से फिर कमांड और वहाँ से फिर आदेश बदल जा रहे हैं। देखिए, जितना आसान इसको समझा जा रहा है उतना आसान है नहीं जी। सियासत में हर कोई अपनी अपनी चाल चलता है जी। और जब आप देखे होंगे शतरंज के मोहरे पर तो राजा को बचाने के लिए हर युक्ति लगाई जाती है, चाहे जैसे भी घेरने की जरूरत हो राजा को घेर करके सारे मारे जाएं लेकिन राजा को बचा लेना है। ये शुरू से लेकर अंत तक उस गेम का रूल होता है, मतलब खेलने वाला अपने लिए तैयार करता है। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, चाहे वो केंद्र की सरकार की या बिहार की सरकार की, दोनों ही सरकार एक ऐसी स्थिति में आकर के एक ऐसे चौराहे पे आकर खड़ी है जहाँ से दोनों सरकार को किधर जाना है ये रास्ता पता नहीं है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम बिहार की बात तो करेंगे ही, लेकिन पहले अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी असमंजस में पड़ी हुई है कि वो अपने 32 सीटों का जुगाड़ कैसे करे। 32 सीटों का जुगाड़ कैसे करे, क्योंकि वही सीटें उसकी घट रही हैं। तो 32 सीटों का जुगाड़ करने के लिए जब वो उसकी उसका नजर पड़ता है नानी पर तो उसका खोपड़ी खराब हो जाता है। कहा जाता है कि नानी का धन पानी का धन निस्तानी का धन, ये पछता नहीं है। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है और नानी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, नीतीश और नायडू। तो अब ऐसी स्थिति में इस धन पे इस कुनबे पे नजर न डाल करके इसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा, इसके जुगाड़ में लगे। और ये जुगाड़ आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन सियासत में कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद होता है और हमारे संपादक नमन जी कहते हैं मैत्री सब जरूरी है, सबका वो माने सारे जो व्यवस्था है ना, साम दाम दंड भेद नीति, उसका मैत्री जो है सबका बाप है। मैत्री कर लिए तो कोई भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैत्री चाहे जिस कारण से हो, स्वार्थ से हो या फिर प्रेम से हो, तो सियासत में प्रेम से तो नहीं हो सकती है, स्वार्थ से हो सकती है। स्वार्थ क्या हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्वार्थ होगी सत्ता पर बैठने की। अब जैसे आप सत्ता पर बैठे हुए, आप उत्तर अभी आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र की पूरी घटना अगर बहुत बारीकी से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार क्यों गिराई, सत्ता पर खुद बैठने के लिए, जबकि वो एलायंस पार्टनर के रूप में थी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी उछल कूद क्यों मना रही है, नीतीश के उछक उछक करके नीतीश को छूने क्यों कोशिश कर रही है, उसके हाँ बस अपना सत्ता मतलब बनाना है। जब नीतीश कुमार 2022 में अलग हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कसम खाया था कि हम 2025 के चुनाव में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा देकर के चुनाव में उतरेंगे। क्या ये आपको संभव लगता है वर्तमान परिस्थिति में, क्या बिना नीतीश के तो संभव नहीं? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, नेता हैं, वो एक दूसरे की आंख में धूल झोंक रहे हैं। अब चिराग पासवान की बात शुरू कीजिए आप। चिराग पासवान कहते हैं कि हम हनुमान हैं। चिराग पासवान जब उनको कहा जा रहा था कि एनडीए में उनका कुछ है ही नहीं है, फिर भी कहते थे कि नहीं हम तो एनडीए में हैं। चाचा एकदम कहते अरे ये तो एनडीए में नहीं है, चिरकाते थे। तब भी चिराग पासवान कहते थे कि नहीं हम तो है ही हैं, हम आज भी हनुमान हैं। और अंततः जो हुआ सब आपके नज़र में है।
नरेंद्र मोदी ने सम्मान भी सबसे ज़्यादा दिया चिराग पासवान को, लेकिन वही चिराग पासवान अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सत्ता के लिए और अपना वजूद बचा रहे उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ही सरकार के फैसले पर उंगली उठाई, अपनी ही सरकार के फैसले पर वो सड़क पर भी उतरे, अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ भी वो गए, लेकिन जैसे ही वो फैसला वापस आया फिर वो अपनी जगह पर चले आए। यानी कि कहीं ना कहीं उस सत्ता के लिए और अपनी पार्टी के लिए जद्दोजहद हो रही है। यही वो पार्टी है ना जिसको डूबते समय में भारतीय जनता पार्टी ने कोई सहारा नहीं दिया था, ये तो अपने से उभर गए तब ना जी। और उस उभरने में किन किन लोगों का क्या क्या सहयोग है, चिराग पासवान जब रात में सोते होंगे तो सारा चेहरा उनके नज़र के सामने आ जाता होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, ये वही जीतन राम मांझी ना है जो नीतीश कुमार के साथ रह करके, उसी एनडीए में रह करके नीतीश कुमार की भद पिटवा दिए, क्या क्या नहीं बोले जब उनको सम्मानित किया जा रहा था मंत्रिमंडल में शामिल होने पर। नीतीश कुमार का एक एक पर्चा खोल के रख दिया कि आपको, आप लोगों को सब जानवे करते हैं कि कैसे क्या कह रहे थे, हमारा पार्टी विलय कराना चाहते थे, हमको कह रहे थे कि तुमसे पार्टी चलेगा। वास्तव में नीतीश कुमार ने दलित और पिछड़े के बेटा को वो आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और ये बातें जब कहते हैं जीतन राम मांझी तो प्रमाणित भी हो जाता है ना, क्योंकि सेम उसी तरह की बातें भरे सदन में, जबकि सारे कैमरे चल रहे थे, लाइव चल रहा था सदन, तब नीतीश कुमार ने कहा अरे इसको तो हम बनाए थे जी। तो निश्चित रूप से अब दोनों एक साथ है तो दोनों एक दूसरे के आंख में धूल झोंक रहे हैं, काहे के लिए, सत्ता के लिए। जीतन राम मांझी बेटा को कई गो विभाग मिला हुआ है, दो दो तीन तीन गो विभाग, मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के शामिल हैं और रोज नीतीश कुमार के छाती पर मूंग दलते हैं। कल भी देखे हम कि सबको नीतीश कुमार अपने बगल में बुला रहे थे और संतोष सुमन को नहीं बुला रहे थे, तो उनको ये बात का तो एहसास है ना। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि अब तो जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री हैं तो टसन में तो रहेंगे ही। अब ऐसी स्थिति में एनडीए में ये दोनों एक दूसरे का धूल झोंक रहे हैं। अभी सबसे बड़ा धूल तो झोंका गया उपेंद्र कुशवाहा के आँख में, मैंने छंटी भर भर के धूल झोंका गया। कल तक बेचारे को चार साल का रट लगाए हुआ था लोग, और जैसे ही नॉमिनेशन फाइल करने गए धूल झोंक करके उनको अंदर चटकी खिला दिया गया। अब उनके लोगों को, आप तो इंटरव्यू भी लिए हैं उनके लोगों में, कितना सामने तो कैमरा छोड़िए ना, कैमरा के पीछे जो रोष है बहुत ज़्यादा, उस रोष को कई लोगों ने हमको फ़ोन किया है। मैं सुबह में भी कवर कर रहा था उस समय लगातार मेरे फ़ोन की घंटी घनघना रही थी। कई लोगों ने फ़ोन करके बताया कि बताई हैसन छल होला दादा, ये तो साफ करेजा में ढुक के करेजा काढ़ लेलन सब। इसका मतलब सीधे है कि यहाँ भी धूल झोंकने का कार्यक्रम जारी है, ये एक पहलू है। अब सिक्के का दूसरा पहलू मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। ये तो हमने बताया कि जो एनडीए के घटक दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावे हैं, वो क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा गेम प्लान रच रही है, और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता के करीब है और उसको दो राज्यों में भी चुनाव लड़ना है, एक राज्य में उसकी सरकार है और एक राज्य में 10 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं, और उस राज्य में धारा 370 से लेकर के जो भी सुधार करने थे, जो भी वादा किया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया कर दिया, पूरा और इसी नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। इन दोनों राज्यों में कहीं ना कहीं तोता में जान अटका हुआ है, ये तोता वही तोता है। एक तरफ नीतीश कुमार का बिहार की गद्दी वाला तोता पर, तो केंद्र में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का तोता में जान अटका हुआ है, और आरएसएस जो है उस तोते की रक्षा करने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। आपको याद होगा कि इसी चुनाव के समय जेपी नड्डा जब बोले थे कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, अब वही आरएसएस उनको कटघरे में खड़ा रखा हुआ है और तब तक के लिए रखे हुए है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन उनको एक्सटेंड करके रखा हुआ है इसलिए कि देखो तुम्हारे सामने कैसे आदमी को अध्यक्ष बनाते हैं हम। और जहां तक मेरी जानकारी है और मेरा जो रिसर्च बता रहा है कि इस बार आरएसएस अपना बहुत ही मजबूत व्यक्ति को ला करके खड़ा करेगी और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके अपने हाथ में सारा स्टेयरिंग और कमान थामेगी। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि महिला की बात मैंने बताया था, इसके अलावा हमने किशन राव का नाम बताया था,
जो तेलंगाना से आते हैं, और हमने एक नाम नहीं बताया था, उस नाम को अब हम ओपन करते हैं, क्योंकि उस नाम को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलग करके एक अलग मिशन में लगाया गया था। अच्छा, मतलब हिडन रखा गया था उनको। यही वो तोता है जो आगे चल करके नरेंद्र मोदी की जान बचाएगा, आरएसएस और भाजपा को बचाएगा। कौन है? और वो नाम है राम माधव का। अच्छा, राम माधव के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, पत्रकारिता का ककहरा पढ़ने वाला बच्चा भी राम माधव का नाम जानता है। ये वही राम माधव है जो जम्मू कश्मीर में खुद रह करके, उसके प्रभारी रहते हुए जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्ती के साथ मिलकर के बनवाए थे। धारा 370 लागू कराने में राम माधव की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और तब उन्होंने जम्मू कश्मीर में डेरा डाल करके कि मैं रहूं या न रहूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू होना चाहिए। आज उसी राम माधव को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार जम्मू कश्मीर का चुनाव शुरू होते ही उनको प्रभारी बनाया है। अब इसका मायने आप समझ रहे हैं, ये कितना बड़ा गेम प्लान है और कितना बड़ा अनहर झटकी है। तोता जो है वो अब ये पूरी बात समझ करके पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है, एक तरफ नीतीश कुमार आप देख रहे होंगे बड़ी तेजी से अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, जहां से जो मिल रहा है उठा करके रख रहे हैं, जैसे चिड़िया को आप देखे हैं अपना घर कैसे बनाती है, तिनका चुन करके अपना घर बनाती है। अब नीतीश कुमार जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 2024 का चुनाव के बाद बर्बाद हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, अपनी पार्टी तो बचा लिया, अपने सांसदों को भी 12 को बचा लिया, 4 को ना कम हुआ लेकिन बचा तो लिया, 12 सांसद तो उनके हैं ना, और 12 सांसद पर सरकार भी टिकी हुई है, ये भी बात है, यानी किंग मेकर की भूमिका में है। तो एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार के पास एक बड़ा स्टेक है जिसमें वो बिहार में अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार वाले तोता को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ये पूरी की पूरी कहानी जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के माध्यम से हो रही है। मैंने पहले ही बताया था कि 60 दिनों का अल्टीमेटम है नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपना एक्शन रिएक्शन करना है, आपने देखा होगा कि अभी मनन मिश्रा को चुनने के पीछे भी बहुत बड़ी रणनीति थी, और उसके पीछे भी एक मैंने सुबह ही कवर किया था कि ये संयोग है या प्रयोग है, इसको काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, कई लोगों ने हमें फ़ोन करके भी बताया कि नहीं बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ये स्थिति एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटर की तरफ बढ़ रही है, यानी कि सवर्णों की तरफ बढ़ रही है, और जो नाराज सवर्ण है वो भारतीय जनता पार्टी को, आप देखिए ना, आप समझिए कि एक सीट के कारण एक भारतीय जनता पार्टी का फैसला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा का एक फैसला दो दो ब्राह्मण नेताओं को समाप्त कर दिया, एक मिथिलेश तिवारी और दूसरा अश्विनी चौबे, जिस पर एक लंबा विस्तृत चर्चा संपादक नमन मिश्रा जी ने किया था। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो सवर्ण नाराज हैं, खास करके जो ब्राह्मण आंख मूंद करके वोट करता था भारतीय जनता पार्टी को, आज वो इतना ज्यादा हतोत्साहित है कि उसको कहीं दूर दूर तक जगह नहीं मिल रहा है, जहां भी जा रहा था तो लोग कह रहा है कि भाई आप यहाँ क्या करने आए, आपका तो दिन ही खत्म हो गया है, जबकि मैं बता रहा था कि इस बिहार में 5 से 6 ब्राह्मणों ने राज किया है, CM रहे हैं बिहार के, और बेहतर काम किया है, बिहार को एक बदलाव वाला बिहार बनाया है। ऐसी स्थिति में 1990 के बाद जो बिहार में हुआ है उसको बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, और दूसरी तरफ इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने वो अभियान शुरू कर दिया है जिस अभियान से उसे 32 सीटें मिले, यानी कि 2 राज्यों में चुनाव होने के बाद उसके पास, मैं बता रहा था कि राज्यसभा में भी उसको 15 सीट चाहिए, जिसमें से 8 से 9 सीट अभी आने वाला है व्यक्तिगत, हालांकि आना तो 12 में से 11 सीट है जी, जी, लेकिन वो NDA का है, 2 सीट है। अपने बाबा पिछले ही खबर में एक आंकड़ा सार्वजनिक किया था, हाँ, था कि ये आंकड़े राज्यसभा के भी और बाकी। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी तरह से अब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट चाहिए, और ये 32 सीट कहाँ से पूरा होगा, तो आप एक खबर कर रहे थे ममता बनर्जी का, वो चिट्ठी का बात कर रहे थे, वो चिट्ठी है क्या? देखिए दो तरह की चिट्ठी होती है, एक होता है कि भाई मेरा जो CL बचा हुआ है वो दे दीजिए अच्छा, और एक होता है कि सर मैं आग्रह करता हूँ आपसे कि अवैतनिक छुट्टी हमको दे दी जाए, नहीं हम छुट्टी में रहेंगे, हमको वेतन मत दीजिएगा लेकिन हमको छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए जी। अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ममता बनर्जी चारों तरफ से चौक हो गई हैं। ममता बनर्जी के चौक होने का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के राज्य में जिस तरह का दबाव बढ़ गया है, राज्यपाल खुद जाकर के रिपोर्ट सौंप आए हैं,
और वहाँ एक अलग तरह की रणनीति चल रही है जिसमें हो सकता है कि सरकार बर्खास्त भी हो जाए, हो सकता है वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए, हो सकता है कि वहाँ केंद्र अपना कब्जा कर ले, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने 29 सांसदों की कुर्बानी दे करके अपनी कुर्सी ममता बनर्जी बचा सकती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्लान का एक हिस्सा है और इस प्लान में पूरी तरह से एक्शन रिएक्शन सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, और ममता बनर्जी के लिए कोई पुराना घर मतलब अनुभव पुराना है, वो ऑलरेडी रह चुकी हैं एनडीए में, और एनडीए के जो घटक दल रहे हैं वो आते और जाते रहे हैं। तो एक बार फिर से ममता बनर्जी पर इस तरह का सवाल, यानी कि घुमा फिरा कर देखा जाए तो कौन किसके आंख में धूल झोंक रहा है ये लगभग आपको मालूम हो गया होगा। तो दूसरी तरफ सरकार जो है उसकी तोते में जान अटकी हुई है, अब उस तोते को कितना सुरक्षित रखा जाता है ये सबसे बड़ी बात है। चलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान बदल दिया है और प्लान बहुत ही जल्द सफल भी होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी दावा भी कर रहा है। मुद्दे की बात के लिए इतना ही, लेकिन चर्चा भारत लाइव पर लगातार जारी है, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।